इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव लोधवा की रहने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी बेटी सोमा देवी, जिसके साथ किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनी ने करार किया हो, जिसने हर खेल में मेडलों का घर तांता लगाया हो, वो खिलाड़ी आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, लेकिन उसका जज्बा देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करना है। सोमी देवी से बात की तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। सोमी देवी खुद दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी पढ़ाई और खेलों का खर्च उठा रही है। आम खेलों में आर्थिक स्थिति आड़े आ जाने के कारण सोमी देवी ने प्रोफेशनल खेलों की तरफ अपना रुख किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए इन खेलों के प्रति बड़ी मेहनत से जुनून पैदा किया। सोमी देवी अपना कुछ हद तक खर्चा दंगल और मैराथन दौड़ जीतकर भी चलाती हैं। कॉलेज तक जाने के लिए पैसे तक नहीं है, फिर भी पढ़ाई का जज्बा बरकरार है और नूरपुर कॉलेज में पढ़ने को जाती है। आपको बता दें कि परिवार के पास सिर ढकने के लिए एक सही आशियाना भी नहीं है। जर्जर हालत में कच्चा मकान है, अपने पास अपनी कोई जगह भी नहीं है। उनके पिता भीम बहादुर का कहना है कि वे 40 साल से हिमाचल में रह रहे हैं, लेकिन पैसा ना होने के कारण एक फुट जगह भी नहीं है। बीमार पिता की नम आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। सोमी देवी की 4 बहनें और 3 भाई हैं। सभी बहनें स्कूल पढ़ रही हैं और उनका खर्च वो छुट्टी वाले दिन मजदूरी करके करती हैं। जिन योजनाओं का सरकार बहुत जोरों शोरों से प्रचार और प्रसार करती है, ऐसी कोई भी सुविधा परिवार के पास नहीं है। ना तो परिवार के पास ढंग का शौचालय है, ना उज्ज्वल योजना वाला गैस कनेक्शन, यहाँ तक कि स्वच्छ पीने के जल के लिए भी 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के समीप दत्तनगर नामक स्थान में सरकार की ओर से स्पोर्ट्स होस्ट व इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ की राशि खर्च करने के बाद आखिरी चरण के कार्य कुछ वर्षों से रोक दिए गए हैं। ऐसे में आलीशान परिसर वीरान होने के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। इससे स्थानीय युवा और खिलाड़ी काफी चिंतित हैं। आसपास के ग्रामीण खिलाड़ियों का कहना है कि इस परिसर में नशेड़ी और अन्य असामाजिक तत्व अक्सर आ रहे हैं, इससे माहौल बिगड़ रहा है। स्थानीय युवाओं में भी गलत संदेश जा रहा है। सरकार तुरंत इस दिशा में कदम उठाकर निर्माण पूर्ण करे, ताकि इस परिसर का उपयोग खेल गतिविधियों के लिए हो सके। जो युवा आजकल नशे की गिरफ्त में पड़ रहा है, उन्हें खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके। अन्य करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये परिसर धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। अशोक मेहता ने बताया कि सरकार से निवेदन है कि यहां इस परिसर में जो असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें रोका जाए और इस परिसर का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्र के युवाओं का ध्यान नशे की ओर न जाकर खेलों की ओर मुड़े। सुरेंद्र ने बताया कि अब तक इस परिसर में 6 करोड़ रुपए खर्च किया है, लेकिन कुछ वर्षों से काम रुका होने के कारण ये वीरान परिसर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अब असामाजिक तत्वों के लिए सुरक्षित शरण स्थली बनी है। सरकार इसके निर्माण को पूर्ण करे, ताकि युवाओं का ध्यान असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर न जाकर खेलों की ओर। विनोद नेगी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, ने बताया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल और इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ये सकारात्मक प्रयास है, लेकिन निर्माण का काम बंद होने से यहाँ नशेड़ियों का आना जाना आम है। इस परिसर का सदुपयोग हो, जल्द निर्माण कर खेल गतिविधियां शुरू की जाएं। सोलन में 8 दिवसीय हिमाचल उत्सव का आयोजन धूमधाम से आरंभ हुआ। पहली सांस्कृतिक संध्या में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि ने उत्सव का विधिवत आरंभ किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप और ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन कृपाल सिंह पसरीजा बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर हिमाचल में सबसे ज्यादा सोलन में नशे पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार और SHO धर्मसेन नीग को हिमाचल रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं चिट्टे को जड़ से उखाड़ने की मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थिएटर आर्टिस्ट मुनीश कुमार ने अपनी प्रस्तुतियों से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। वहीं ग्रीन हिल्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों और पंजाब के कलाकार सूची अरोड़ा, SJ डांसिंग जोन ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया।
इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल सरकार का एक ही लक्ष्य है प्रदेश से नशे को जड़ से समाप्त करना, जिसके लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सोलन पुलिस सराहनीय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें भारत के युवाओं को नशे के जाल में फंसा कर खोखला करने में लगी हैं, लेकिन वे सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों को नशे के प्रति लगातार जागरूक कर रहे हैं, इसलिए वे उसे नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने अभिभावकों से निवेदन किया कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें नशे में न पढ़ने दें। उन्होंने ये भी कहा कि निजी स्कूलों में विद्यार्थी नशे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन अपने बच्चों को ज्यादा पैसा देते हैं, जिसका उपयोग वे नशे के लिए करते हैं।